हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से खेले जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर भाई लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि भाई यार बैच ईजिली किस तरीके से लें। तो गाइस, आज का अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा ना तो आप लोग मेन चीज़ मिस कर दोगे, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्री में बैच किस तरीके से निकाल सकते हो, वो भी ऑफिशियल सर्वर्स में। आपको कुछ नहीं करना है गाइस, सिर्फ आपको जो है एकदम कंसंट्रेट होकर काम करना है। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं सोया हुआ था, एंड्राइन भाई का मेरे को कॉल आया कि नेक्सस भाई मैंने जो है ना एक सिविलाइजेशन रैम्पेज सर्वर स्टार्ट किया है, अगर तुम्हें आना है तो फटाफट से आ जाओ। तो मैंने कहा तुम 15 मिनट वेट करो, मैं फटाफट से आता हूँ। तो गाइस जैसे ही 12 बजे मैं यहाँ पे आ चुका था, एंड उन्होंने मेरे से बोला कि मेरे पास सब चीज़ है सिवाय M4 के। M4 नहीं है, मतलब एक भी AR नहीं है। तो अभी जो है मैं फटाफट से AR वगैरह सर्च करना है। एंड फाइनली गाइज, उसके बाद मैं यहाँ पे निकल चुका था रूम्स वगैरह करने के लिए। एंड आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, पहली बार किसी सिविलाइजेशन रैम्पेज में मेरे को आयरन का पूरा सेट मिला है। वो चीज़ गाइज मैं बेस में रखने के बाद फाइनली उसके बाद मैंने डिसाइड करा यहाँ पे से जो है मैं पर्पल कार्ड्स वगैरह उठाऊंगा और यहाँ पे से निकलेंगे हम रूम्स वगैरह करने के लिए, क्योंकि गाइज हमें ये चाहिए यहाँ पे AR मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड हम जो है ना बैच फाइट में इजीली फाइट वगैरह ले सकते हैं। तो गाइज जब तक मैं यहाँ पे सामान वगैरह ड्रॉप कर रहा हूँ, तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो में नए हैं एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ गाइज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड गाइज आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 300। आई होप गाइज आप लोग 300 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। तो गाइज सामान वगैरह मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर लिया है और उसके बाद मैं निकला था यहाँ पे हार्बर में, क्योंकि मेरे को अभी रूम्स वगैरह नहीं पता। मैंने डिसाइड करा अगर हार्बर में मेरे को एवेंजर मिलेगा तो मैं एवेंजर मार दूंगा, पर यार यहाँ पे एवेंजर वगैरह तो नहीं है। सो अब मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे रूम्स वगैरह चेक करता हूँ, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, एवेंजर नहीं है गाइज यहाँ पे। तो मैंने डिसाइड करा एवेंजर तो नहीं है। सो अभी जो है हम यहाँ पे थोड़े से रूम्स वगैरह करेंगे। एंड इस सर्वर में जो है ना गाइज हमें बैच जो है एकदम फ्री में मिला था, वो कैसे गाइज बैच ड्रॉप में जो था ना ओनली एक बंदा आया था एंड उसको भी मारा, एंड वो भी नेकेड था। पर गाइज ये गलती मत करना कि आप अपने बेस में बैच लेके आ चुके हो एंड बाद में जो है आप एकदम खराटे मार के सो रहे हो, क्योंकि गाइज इस सर्वर में जो है काफी बंदे ऐसे होते हैं बैच अपने बेस में लेके नहीं आते, जो है ना ये बाद में बैच बेस को रेड करते हैं। वो किस तरीके से गाइज अभी आपको अगले दो वीडियोस में पता चल जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पे मेरे को हार्बर में पर्पल रूम मिला। ओके, यहाँ पे मेरे को डबल बैरल शॉटगन मिली एडवांस एमो चेस्ट से, जो कि काफी ज्यादा बुरा था। फिर भी गाइज एक एमो चेस्ट है, उसमें देखते हैं उसमें क्या मिलेगा। शॉटगन का बुलेट्स था, बैरल्स थी, और तो कुछ खास था नहीं। ओके, मेरा बैकपैक का लिमिट फुल हो चुका है। और हाँ गाइज, मैं क्या बोल रहा था, जब आप बैच अपने बेस में लेके आते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा भाई लोग सोचते हैं यार अब बैच को कौन ले जाएगा, पर गाइज इस सर्वर में ऐसे ऐसे अनाड़ी प्लेयर्स होते हैं ना जो बैच ड्रॉप होने के बाद सर्वर में आते हैं, बैच बेस देखते हैं, कोने में बेस बनाते हैं एंड बॉम्ब्स वगैरह बनाएंगे और फटाक से रेड करके वो बैच जो है अपने पास लेके चले जाएंगे। आपको गाइज वो नहीं करना है। लगभग गाइज आपको सर्वर को देखते रहना है जैसे हम लोग देखे थे, वो तो गाइज आपको आगे पता चलेगा। ओके, मैं यहाँ पे ऐसे रूम कर लिया हूँ एंड उसके बाद जो है ना गाइज मैं डायरेक्ट पहुंचे यहाँ पे से एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट में भी पर्पल रूम था। ओके, यहाँ पे एयरपोर्ट के पर्पल रूम से मेरे को मिला है M24। अरे भाई M24 नहीं चाहिए मेरे को चाहिए AR, जो कि मेरे को अभी तक नहीं मिली है। एडवांस एमो चेस्ट से भी गाइज कुछ खास नहीं मिला। एमो चेस्ट से क्या मिलेगा, स्टील मिला है। गाइज एकदम कचरा लूट था। तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक ब्लू रूम है, वो देखते हैं अगर पर्पल कार्ड या फिर एमो चेस्ट होगा सो हम ब्लू रूम कर लेंगे। एमो चेस्ट नहीं होगा तो गाइज करके कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए एमो चेस्ट है गाइज, मतलब एकदम एक नंबर का स्कैम चल रहा है इधर। एमो मिला और कुछ पाइप्स मिले, वो भी 4-5, जो कि हमें सप्लाई चेस्ट से ही मिलता है। ओके गाइज, यहाँ पे कार्ड्स वगैरह नहीं था तो हम ऐसे करते हैं यहाँ पे से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके। एंड उसके बाद जो है ना गाइज, जैसे हम यहाँ पे से निकल रहे थे इस सर्वर में आ चुका था कार्गो। सो हम लोग डिसाइड किए यार कार्गो तो हमें चाहिए कुछ भी करके, क्योंकि गाइज कार्गो से हमें डेफिनेटली AR तो 101% मिलेगा। तो मैंने डिसाइड करा फटाफट से हम ऐसे करते हैं यहाँ पे से निकलते हैं अपने बेस में। एंड जैसे ही हम बेस में पहुंचेंगे ना, वहां से हम बाइक लेके निकलेंगे सीधा कार्गो के पास। ओके गाइज, रिपोर्ट हमने चेकआउट करी, रिपोर्ट में एक भी बंदा नहीं था,
तो फटाफट से हम यहाँ पे रैंप वगैरह बनाते हैं एंड चलते हैं गाइस जल्द से जल्द। ओके तुम्हारा भाई यार आज काफी लंबे टाइम बाद अपने ग्लाइडर वाली आईडी से खेल रहा है, आई मीन मेन आईडी से। इस बारी तो हम ग्लाइडर यूज करेंगे। ओके मैं ड्रॉप कर रहा था किसी भाई के लिए। ओके यहाँ पे ड्रॉप कर दिए वो, तो चले नॉर्मल में भी हम वहां तक पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंचेंगे, मुझे तो लगता नहीं है कि नॉर्मल में मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। ओके चलो ऐसे कहते हैं नॉर्मल ही चलते हैं। रिपोर्ट में तो गाइस एक भी बंदा शो नहीं हो रहा है, सो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी बंदा होगा यहां पे। ओके लगता तो नहीं है कोई भी बंदा होगा, अगर होता ना डेफिनेटली हमारे ऊपर 101% फायर करता, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई बंदा यहाँ पे होगा। एंड चलो फिर भी चल के देखते हैं, अगर कोई नहीं होगा फटाफट से ड्रॉप उठाएंगे और यहाँ पे से चलते बनेंगे, एकदम एक नंबर से भागेंगे। ओके मैंने डिसाइड करा यहाँ पे राइन भाई जो है ना नीचे जा चुके हैं एंड मैं जो है ऊपर बैठ कर वेट करता हूँ। ओके ड्रॉप अनलॉक हो चुका है, रिपोर्ट में भी कोई खास बंदा है नहीं, सो मैं डिसाइड करा चलो ऐसे करता हूँ मैं यहाँ पे से नीचे उतरता हूँ। चलो गाइज नीचे चलते हैं। ठीक है गाइज मैं ड्रॉप के सामने ही जंप करता हूँ नीचे की तरफ। अबे नीचे तो उतर जा, अटक गया ये यहाँ पे। हाँ अटक गया गाइज। अबे नीचे उतर जा, क्या बात है यार, ये पता नहीं गाइज काफी लंबे टाइम बाद मैं ग्लाइडर यूज कर रहा हूँ, मैं तो कतई भूल ही गया कि कैसे यूज करते हैं इसको। ओके अबे नीचे गिर गया, चलो कोई नहीं। ओके गाइज यहाँ पे कोई भी ड्रॉप में नहीं आया था, सो मैंने डिसाइड करा फटाफट से हम ड्रॉप उठाते हैं और भागते बनेंगे। गाइज क्या मिला? ओके हमें यहाँ पे मिल चुकी है क्यूबीजी। अभी चलो गाइज अब ऐसे करते ना यहाँ पे से हम फटाफट से भागते अपने बेस की तरफ जंप करके सीधा पानी के अंदर पुकलुक से। ओके गाइज यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉप तो लूट लिया है, अब जो है हम फटाफट से अपने बेस में पहुंचते हैं। एंड गाइज अभी टाइम कितना हो रहा है, लगभग 30 घंटे, और 2 घंटे बाद जो है ना यहाँ पे आ जाएगा बैच ड्रॉप। एंड इसके बीच में भी गाइज हमने काफ़ी ज़्यादा रूम्स वगैरह करे थे, फॉर्मिंग करी थी क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब्स वगैरह क्राफ्ट करने थे। एंड 2 घंटे में गाइज हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करा एंड फाइनली गाइज इस सर्वर में आ चुका था बैच ड्रॉप का टाइम। हमने फटाफट से गाइज अपनी टैंक वाली गाड़ी बनाई और उसके बाद जो है हम डायरेक्ट पहुंच चुके थे रॉकेट बेस में। एंड अभी तक भी गाइज मुझे लगता नहीं था कि कोई भी आएगा क्योंकि रिपोर्ट में कोई दिख ही नहीं रहा था। सो चलो फटाफट से चलते हैं। एंड मेरी गाड़ी जो है ना यहाँ पे फंस चुकी थी, सो अमन भाई ने बोला मेरे को गाड़ी दो, मैं चलाता हूँ। मैंने कहा लो तुम ही पकड़ो। ओके निकल गई रे, मतलब मैं अनाड़ी ड्राइवर हूँ यहाँ पे। चलो भैया ड्रॉप मिल गया। तो गाइज यहाँ पे हमने काफ़ी देर तक वेट किया एंड कोई भी बंदा नहीं आया। एंड कुछ ही देर बाद गाइज यहाँ पे एक बंदा दिखा जो कि ग्लाइडर में आ रहा था पर वो नेकेड था। एंड क्या फ़ायदा गाइज, एक बुलेट में ही देखो उसकी कैसी पेटी बनेगी। तो मैं ड्रॉप अनलॉक कर लिया और फटाफट से मैं गाड़ी में बैठता हूँ। एंड काफ़ी देर तक गाइज हम यहाँ पे बैठे हुए थे, रिपोर्ट में एक भी बंदे का नाम शो नहीं हो रहा था। एंड बाद में जो है ना एक बंदा दिखा एंड देखो गाइज उस बंदे को तुम्हारा बाइक किस तरीके से भरता है। ओके वो रहा, दे भैया एक लग जा। ओके गाइज एक बुलेट लगा, 75 का डैमेज आया, लगता है वो नेकेड था। एंड हमने गाइज यहाँ पे काफ़ी देर तक वेट करते रहे एंड कोई भी बंदा नहीं आया, तो हमें जो है ना ये बैच इजीली मिल चुका है। चलो उठाते हैं एंड भगते हैं यहाँ पे से। ठीक है फ्यूल वगैरह तो है, चलो लेट्स गो बॉयज। ऐसे करते ना यहाँ पे से निकलेंगे क्योंकि गाड़ी को मुड़ा कौन रहा है। अब ऐसे करते हैं ना यहाँ पे से हम डायरेक्ट ही भागते हैं अपने बेस में। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हम बैच वगैरह लेके आ चुके थे अपने बेस में। एंड उसके बाद जो है ना हमें अपने के लिए थोड़ा सा चाहिए था स्टील वगैरह, वैसे हमें एक फ्लेयर तो मिली थी जो कि हमने ऑलरेडी फ्लेयर वगैरह चला दिया है। एंड देखते गाइज उस फ्लेयर ड्रॉप में अपन को क्या मिलेगा। एंड जल्द से जल्द जो है ना अब हम अपने बेस में चलते हैं, बैच रखते हैं। कहाँ गया बैच? ओके मेरे पास कुछ फ्यूल था, फ्यूल में यहाँ पे स्टोरेज बॉक्सेस में डालता हूँ। एंड बैच गाइज ये रहा देखो।
अब मैं जो है ना फटाफट से ऐसे करता हूँ ना, यहाँ पर से निकलता हूँ, जो कि फ्लेयर चलाई भी थी हमने वो ऊपर छत में है, तो फटाफट से उसको अनलॉक करूंगा। एंड इस बारी जो है ना गाइस, एक मैं फूल दिखा के इस ड्रॉप को अनलॉक करूंगा, देखते हैं हमें फूल दिखा के क्या मिलता है इससे। चल भैया, होने वाला है लगभग गाइस 30 सेकंड में हमें ये ड्रॉप अनलॉक हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इस ड्रॉप से हमें क्या मिलेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे लगता है कुछ खास मिलेगा यार। चलो एक फूल दिखाते हैं, फूल वाला इमोट इसको। अबे लग नहीं रहा। ओके यहां पे से लगेगा दूर से। ले भैया एक फूल ले और एक काफी अच्छी सी लूट देना। चलो गाइस काफी अच्छा लूट मिला, बजूका एंड ऑटो कैनन, बढ़िया है। अगर अभी हमारा बेस कोई भी रेड करेगा ना तो हम इजीली अपना बेस को डिफेंड कर सकते हैं। वैसे हमने अपना बेस अभी आयरन का भी नहीं करा है, करेंगे गाइस उसे जल्दी, क्योंकि हमारे पास आयरन काफी ज्यादा है। तो चलो अंदर चलते हैं। ऑटो कैनन और जो हमारा बजूका है ना उसे मैं बॉक्स में रख दूंगा आराम से। डोर क्लोज करो, कहीं कोई बंदा हमारे पीछे पीछे डोर के अंदर ना घुस जाए। देखो गाइस अभी जो तुम्हारा भाई है ना यहाँ पे जीपी वगैरह क्राफ्ट कर रहा है, क्योंकि हमें बेसेस वगैरह रेड कर रहे हैं। यहाँ पे चार बंदों के बेस हैं, चार टीम खेल रही थी पर उनमें से कोई भी बैच ड्रॉप में आया नहीं, तो हम लोगों ने डिसाइड करा वो बैच ड्रॉप में नहीं आए। डेफिनेटली वो प्लान कर रहे होंगे हमारा बेस रेड करने का, पर उन्हें जो है ना हम अपना बेस रेड करने नहीं देंगे, हम पहले ही उनका बेस रेड कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं डिसमेंटल करने आया था एंड मेरे को यहाँ पे एक बेस दिखा जो कि ये रहा, तो मैंने डिसाइड करा यार आपको दिखाना तो बनता ही है। एंड देखो गाइस ये है वो बेस। अभी शॉटगन ट्रैप्स लगा के रखे हुए हैं। एंड यार कुछ टाइम से मैं देख रहा हूं कि बंदे लोग जो है ना अपना कैबिनेट एकदम सेंटर ऑफ द मैप में, मतलब बेस में नहीं रखते हैं, पहले ग्राउंड फ्लोर में मैक्सिमम कैबिनेट रखा रहता है। अब जो है ना गाइस आप लोग पूरा बेस फोड़ दो पर कैबिनेट जो मिलेगा ना वो सेकंड फ्लोर में या फिर थर्ड फ्लोर में। इस बेस में भी गाइस यही हुआ था, हमने जो है इसका बेस पूरा उधेड़ दिया, पर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया इसका कैबिनेट एक्चुअली में है तो है कहाँ। एंड बाद में जो है ना गाइस हमें कैबिनेट जो इसका थर्ड फ्लोर में मिला, मतलब यार लौंडे जो है ना काफ़ी ज़्यादा सियाणे हो चुके, क्योंकि मैक्सिमम पहले सबको लगता था जो है ना कैबिनेट नीचे ही होगा, अब कैबिनेट नीचे नहीं है। एंड उसके बाद जो है ना गाइस मैं यहाँ पे दोबारा हार्बर में पहुँचा, क्योंकि मेरे को चाहिए था यहाँ पे डीप रिफाइनर। अगर डीप रिफाइनर मिल जाएगा तो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँचा एंड मेरे को यहाँ पे दिख गया था एवेंजर, सो मैं डिसाइड करा जो जंपर्स आएंगे उन्हें ये एवेंजर तो दूंगा नहीं, तो उससे पहले मैं इसी एवेंजर को मैं ही भचकाता हूँ। अबे इधर ही तो था, वो गया किधर? टीम पे लेता हूँ। ओके अबे यहीं पे तो था गाइस एवेंजर, अभी गया तो गया किधर? ये रहा गाइस, मिल गया। चलो भैया यहाँ पर से इसको गोली मारो आराम से, बस गाइस ज्यादा नहीं, एक दो मिनट में इजीली एवेंजर मरता है। अब लगी गोली मेरे को, नहीं 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 इतना दूर नहीं आना है, थोड़ा सा एंगल दिखे ना वहीं से आप लोग इसको मारने का ट्राई करो। अभी खड़ा है एक जगह में, ले फटके खा बेटे तू। अबे गाइस ये मेरे क्लॉज आ रहा है, क्या करें, मारे कि वेट करें? अबे ओए ओए गोली नहीं चलाने का रे, नहीं चलाने का, मेरे को मार है गाइस वो गोली। मैं अपने आप को पहले हील अप करता हूँ फिर बाद में इसको मारने का ट्राई करेंगे। चल आ जा, एंड ये सर्वर गाइस हम दो भाई लोगों ने स्टार्ट किया था, राइन भाई ने स्टार्ट किया, फिर आई यहाँ पे मैं, उसके बाद आया अमन भाई, उसके बाद आए यहाँ पे लीजेंड भाई, तो लगभग हम चार लोग खेल रहे हैं। एंड आगे आगे गाइस बहुत बंदे आएंगे, मतलब हेल्प करने के लिए, जिसका मन जब करता है वो उस टाइम आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बंदे खेलेंगे। एंड बैच का भी गाइस देखो कौन कौन लेता है वो मेरे को भी नहीं पता अभी। चल भैया आ जा, बस गाइस जाने वाला है, ज्यादा बुलेट्स नहीं, दो चार बुलेट्स में ये मर जाएगा।
तो खा भैया फटके। ओके गाइज, यहाँ पे जो है ना एवेंजर टपक चुका है, अभी नई टपका, थोड़ा सा हेल्थ बचा हुआ है, अब टपक जाएगा। ओके गया गाइज, चलो फटाफट से देखते हैं इससे हमें क्या लूट मिला है। ओके क्यूबीजी M762 था आई थिंक, नहीं क्यूबीजी था यार, इससे भी हमें क्यूबीजी मिला और कोई एक्स्ट्रा गन नहीं मिला। अब जो यहाँ पे हम लोग फटाफट से निकलते हैं, एंड अब हमने डिसाइड करा था जल्दी जो है ना हम यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल जो वेयर हाउस के पास एक बेस जो है उसको रेड करेंगे। तो ऐसे करते हैं, फटाफट से अपने गाड़ी में बैठो और निकलो यहाँ पे से। चल भाई अपने बेस चलते हैं वापिस। सो गाइज अब फाइनली टाइम आ चुका है यहाँ पे से निकलने के लिए और बेस को रेड करने का। तो चलो गाइज जल्दी चलते हैं एंड उस बेस को रेड करके आते हैं। एंड उस बेस को रेड करने में ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, आई मीन कैबिनेट मिला ही नहीं, इतना टाइम लग गया था क्योंकि गाइज हमारे पास इतने ज़्यादा बॉम्ब्स नहीं थे कि हम उसका कैबिनेट उड़ा सकें। सो हमें क्या करना पड़ा गाइज, वहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ा उसके बॉम्ब से जो है ना, आई मीन उसके ही जीपी से उस बॉम्ब्स बनाने पड़े, फिर हमें आगे रेड कंटिन्यू करना पड़ा। तो चलो गाइज अभी जो है ना मैं फटाफट से चलता हूँ। यहाँ पे बॉट मिला, बॉट को मारे, मरा नहीं यार वो। चलो 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 ओ लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं। अबे ओए उठ गया ये तो पीछे से। हाँ नहीं भाई स्किड काफी गंदी हो रही है गाड़ी। ओके गाइज यहाँ पे हम लोग बेस में पहुंच चुके हैं। अभी जो है ना सबसे पहले हमें इसका शॉटगन ट्रैप्स को खाली करना है। शॉटगन ट्रैप्स में गाइज काफी ज्यादा बुलेट्स हैं जिसको खाली करने में हमें लगभग 10 से 15 मिनट लग चुके थे, एंड वो दिखाते कर दो गाइज आपको कोई भी फायदा नहीं है। तो हम जो है ना फटाफट से इसका शॉटगन ट्रैप्स खाली करते हैं एंड मैं मिलता हूँ आपको जब हम इसका शॉटगन ट्रैप्स सारा खाली कर लेंगे। तो देखो गाइज ये रे शॉटगन ट्रैप्स, एंड उतर के जो है ना फटाफट से मैं इसका शॉटगन ट्रैप्स खाली करता हूँ। सो फाइनली गाइज यहाँ पे शॉटगन ट्रैप्स वगैरह खाली कर लिए हैं, अब जो है ना हम यहाँ पे रेड मारना स्टार्ट कर दिए इसको। एंड यहाँ पे जो है ना एक और नए भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि हमारे साथ कॉल में थे। मतलब गाइज ऐसा सीन है ना, अगर टीम रहती है एंड कॉल में कोई भी भाई लोग है तो वो भी मजे करने के लिए आ जाते हैं, मतलब ऐसा चलता है ओपनली। यार टीम खाली है, हाँ तू आना है, हाँ आ रहा हूँ आ जा फिर, इस तरीके से। एंड बैच का गाइस जिसका मन करे वो ले लो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो खेल रहे हैं वही लेगा, अगर उस भाई के पूरे हैं तो कोई दूसरा भी ले सकता है। चलो भाई, एंड तुम्हारा भाई जो है ना अभी बैचेस वगैरह तो लेता नहीं है, ओनली मजे के लिए खेलता। अबे कितने किस्तों में बॉम्ब्स लगा रहे हो, मेरे को ग्लोबल की याद दिला दी इन्होंने कि एक एक करके बॉम्ब्स लगाओ। ओके फटका, ओके यहाँ पे गैबल लगा रखा है तो मतलब उस, अरे गाइज स्कैम हो गया, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। हाँ तो हम लोगों ने बोला फटाफट पहले, चलो इसको ही तोड़ते हैं। भाई क्या सीन है भाई, ऊपर ही लगा दो बॉम्ब कोई ना। ओके थोड़ा सा रह गया है, दो तीन बॉम्ब्स और लगाने पड़ेंगे एंड टूट जाएगा। इसमें क्या है, ओके SMG है और 9 का एमओ है। लगाओ रे फटाफट बॉम्ब। ओके यहाँ पे गाइज स्टील का डोर है एंड अभी जो है ना इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन चल रही है, सो हमारे पास C4 का भी रेसिपी नहीं है, तो मुझे तो लगता नहीं है यार कि स्टील के डोर को हम तोड़ पाएंगे। हैंडमेड से टूट तो जाएगा पर हैंडमेड गाइज काफी ज्यादा लगता है। सो ऊपर से हमें वुडन का सेक्शन दिख रहा है, सो हम लोगों ने डिसाइड करा जो ऊपर वाला सेक्शन है ना उसी को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे चलो फटाफट से ऊपर देख के आते हैं। ओके यहाँ पे राइन भाई गए, लीजेंड भाई भी ऊपर गए,
एंड वो लोग देख के बताएंगे कि क्या करना है। एंड बाद में जो है गाइस हम लोगों ने डिसाइड करा कि जो है हम रेड ऊपर से मारते, क्योंकि ऊपर से वुडन का सेक्शन है, स्टोन का सेक्शन है, तो लगाओ भाई फटाफट बॉम्ब ऊपर। ओके टूट गया, देखो स्टील का डोर है। एंड ये जो है ना बेस गाइस काफी ज्यादा अनाप शनाप बेस था, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एंड जितना भी गाइस इसके बेस का लूट है ना, वो तीन फ्लोर तो खाली है। अगर ऊपर से रेड करते ना तो ऊपर से रेड काफ़ी ज़्यादा सही रहता, पर ऊपर से रेड करने में भी गाइस काफ़ी ज़्यादा नुकसान था, क्योंकि उसने जो है ना पूरे बेस में स्पाइक्स लगा के रखी हुई थी। मतलब अगर हम ऊपर से इसको रेड करने का ट्राई करते हैं तो स्पाइक्स से मरते, एंड उस स्पाइक्स को गाइस हम गन से भी तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो डबल सीलिंग के बीच में था। तो समझ सकते यार काफ़ी डेंजरस स्पाइक्स थे। सो हम लोगों ने डिसाइड करा ऊपर से तो हम इसको रेड नहीं मारेंगे, हम जो है ना नीचे से इसको रेड मारते हैं। एंड अभी जो है बाद में हमने डिसाइड करा ये जो ऊपर की साइड वाली वॉल से ना उसको तोड़ते हैं, क्योंकि स्टील का डोर तोड़ना तो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारी औकात से बाहर है। सो ऐसे करते ना यहाँ पे से हम इसको तोड़ते हैं। भाई टूट जा। ओके गाइज यहाँ पे टूट चुका है। ओ यहाँ पे स्टोरेज बॉक्सेस हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ फटाफट से ऊपर चलता हूँ एंड स्टोरेज बॉक्सेस में देखेंगे कि वहाँ पे नहीं, अभी नहीं गाइज, इसको एक और डोर तोड़ने के बाद ना यहाँ पे हमें स्टोरेज बॉक्सेस मिलेंगे। तो वेट करो, मैं टूट जा रे भाई टूट जा। अरे ये तो ओपन है, मुझे लगता नहीं है उसमें कुछ खास होगा। चलो फिर भी मैं एक बारी जाके देखता हूँ। एंड यहाँ पे जो है ना गाइस यहाँ पे एक बॉक्स मिला था, एंड देखो उस बॉक्स से मेरे को कितना सारा जीपी मिला एंड कुछ आइटम्स मिले। सो मैं डिसाइड किया ये सारे के सारे जो बॉम्ब्स है ना मैं यहाँ पे तोड़ता हूँ, एंड नीचे से जो है हम इसको पूरा ही भपका देंगे 12 हैंडमिट से। ओके टूटा। एंड यहाँ पे जो है ना मैं ऊपर चल के देखता हूँ यहाँ पे क्या है। ओके यहाँ पे स्टोरेज बॉक्सेस है एंड फर्नेसेस। ओके दो तीन स्टोरेज बॉक्सेस है, मतलब यहाँ इसका लूट है, समझ रहे हो गाइस लूट रूम ये रहा इसका। अबे कौन कौन मार दिया, लगता है गाइस ये बंदा ऑनलाइन आ चुका है। दिखा मुंडी अपनी और निकला बाहर, गया M4 से गया गाइस वो गया। अभी जो मैं फटाफट से यहाँ पे लीजेंड भाई को बैग देता हूँ। ओके मैं बैग दे दिया हूँ यहाँ पे, कॉल कट गई। ओके रिक्वेस्ट नहीं है, मैं फटाफट से टीम पे लेता हूँ एंड उनको बैग दे दिया है गाइस मैंने यहाँ पे। और हम जो है ना यहाँ पे रेड कंटिन्यू करते हैं एंड ये बंदा जो है यहाँ पे ऑनलाइन आ चुका है। अभी जो है सबसे पहले इसको मारना पड़ेगा, कहीं वो अपना बेस वगैरह रिपेयर ना कर दे। वैसे रिपेयर करके भी गाइस कोई फ़ायदा नहीं है, इसका सारा का सारा जीपी वगैरह तो हमें मिल चुका है, सारा का सारा सल्फर भी हमें यहाँ पे इसका मिल गया था। यहाँ पे जो है ना गाइस इस बंदे को हमने काफी गंदा मारा था। आजा भैया दिखा अपनी मुंडी, नहीं दिखा रहा है वो। यहाँ पे भी नहीं है फुटेज, तो अब तो आ रहे हैं पर है कहाँ पे वो। अबे कौन मारा मेरे को। ओके ये डोर तो खोला था वो, पर ये रहा भैया ले खा गोली एंड फटाक से गाइस एक हेडशॉट पड़ा और खानी खत्म। अपने आप को हीलअप करता हूं मैं एक बैंडेजेस लगा के, फिर दिखा
डोर बंद कर दिया उसने। ओके गाइज, यहाँ पे जो है हमें कैबिनेट ढूंढने में इसका काफी ज्यादा टाइम लगा था, एंड इसका कैबिनेट जो है ना गाइज एकदम कॉर्नर में था, जितने की जहाँ की हम सोच भी नहीं सकते। सो जैसे गाइज हमें इसका टीसी मिला ना, तो हमने फटाफट से अपना टीसी प्लेस किया एंड जल्द से जल्द जो है हमने इसका बेस वगैरह उड़ाया, एंड उसके बाद जो है ना गाइज ये अपनी गाड़ी लेके आया था। एंड देखो गाइज अब इसकी गाड़ी को हम किस तरीके से उड़ाएंगे। चलो यार फटाफट से तोड़ो इसको बेस को। बूम गाइज हो चुका है इस बेस का काम तमाम, एंड फटाफट से हम जो है ना यहाँ पे से सामान वगैरह उठाते हैं। सो जैसे ही हम सामान वगैरह उठा रहे थे ना, तो यहाँ पे हमारे लीजेंड भाई बोलने लगे कि एक गाड़ी आ रहा है हमारे तरफ, एंड हमें पता नहीं है वो गाड़ी किसका है। एंड देखो गाइज वहाँ पे क्या ही गजब का सीन होता है अभी उस गाड़ी के साथ। चलो सामान वगैरह सारा उठाता हूँ मैं। एंड देखो गाइज अब जो है ना तुम्हारा भाई उसकी गाड़ी के पीछे भागेगा एंड उसकी गाड़ी को किस तरीके से फोड़ेगा। ठीक है, वैसे हम सोच रहे थे कि इसको गन से फोड़े, सो मैं डिसाइड किया कि जो है ना मैं अपनी गाड़ी लेके उसके पीछे भागूंगा एंड ठोकर मार मार के उसकी गाड़ी को फोड़ने का ट्राई करूंगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे उसको गाड़ी फोड़ पाएंगे या नहीं फोड़ पाएंगे। ले लगी एक फटका। ओके गाइज 320 का डैमेज आया, एंड डैमेज किस में आया वो मेरे को नहीं पता, मुझे लगता है टायर में डैमेज आया। अब भागा वो, अब मुझे नहीं लगता वो दोबारा से यहाँ पे आएगा। ओके मैं अपने आपको हिलअप करता हूँ, मेरा पानी खाना सब खत्म हो चुका है। ओके दोबारा से आया वो बंदा। हाँ ये रहा, ले भैया तू एक और फटका खा। लगभग गाइज उसके दो जगह में डैमेज आया एंड वो मुझे पता नहीं है। फिर मैं तो जो था ना गाइज इसकी गाड़ी के पीछे भागा, अब तो मैं समझ गया था इसकी गाड़ी के मैं टायर ही फोड़ता हूँ एक एक करके। और लगी लगी नहीं नहीं बच गया। ओके गाइज एक टायर गया, अब इसका दूसरा टायर भी फोड़ता हूँ मैं पीछे वाला। हाँ कहाँ भाग रहा है भाई। ले लगी। ओके इसके स्टोरेज बॉक्सेस गए। रुक जा भाई रुक जा। अबे किधर भाग रहा है ये, तो लगता है मेरे को मानेगा नहीं। आ जा बेटे। लिख गया। नहीं 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 अब जाएगा। लगी 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 फट गया। ओ नहीं बच गया गाइस थोड़ा सा बचा। ले फूट गए दोनों टायर फूट गए इसकी गाड़ी के। अबे मेरी गाड़ी भी पलट गई पलट गई पलट गई पलट गई। रुक जाओ अबे किधर गए। वो रहा गाइस वो रहा अभी। रुक जा भाई तू रुक इधर ही, बताता हूं मैं तेरे को। ले भैया रुक जा गया। नहीं 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 अबे पे किधर जा रहा है। रुक ना भाई तेरी गाड़ी, तू रुक भी नहीं रहा है और गाड़ी फोड़ने भी नहीं दे रहा। ले खाए को फटका। ले एक और टायर गया गाइस, तीन टायर गए उसके। अब बस एक टायर बचा हुआ है एंड फटाफट से एक टायर जो बचा हुआ है उसको भी फोड़ने का ट्राई करते। लगी बस एक फटका और लगना चाहिए एंड उसका ये टायर भी जाएगा। ओ बच गया रे बच गया। ले भैया नहीं बच गया। ले फिर खा गया टायर। नहीं गया अभी तक भी, बचा हुआ है गाइस टायर उसका, अब तो जाएगा। लो फाइनली गाइस यहाँ पे जो है ना हमने इसकी गाड़ी के सारे टायर फोड़ दिए एंड फाइनली गाइज वो यहाँ पे जो है ना सेल्फ कर लिया था। सो अब जो है हम फटाफट से अपने वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे हम इसका बेस रेड कर रहे थे। तो चलिए गाइज यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप गाइज आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड काफ़ी ज़्यादा भाई लोगों को ये भी पता चला होगा कि आप ईजिली बैच किस तरीके से निकाल सकते हो। बस आपको एक्टिव रहना है, बॉम्ब्स वगैरह बनाना है। अगर आप बैच अपने बेस में लेके आना नहीं चाहते तो आप साइलेंट रहिए एंड वेट करिए एंड बॉम्ब्स इतने ज़्यादा बनाइए कि अगर उसने टाइटेनियम का भी किया हो ना आप उसके बेस को इजीली रेड मार सकते हो। पर गाइज अभी जो है ना आप लोग सोच रहे हो काफ़ी ज़्यादा इजी है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना गाइज
उसमें आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे कितने और बेसिस रीड मारे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना है करो, एंड जो लाल घंटा दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, वो तो दबा ही देना। तो चलिए गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।